हेलो गाइस, तो आज हम द कॉर्प्स ऑफ एना प्रिट्स की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 5.9 और रेटन टमाटो ने इसको 67% फ्रेश बताया है। थंबनेल से आपको लगा होगा कि ये एक हॉरर और एडल्ट मूवी होगी, मगर मैं आपको पहले ही बता दूं कि भूत के नाम सुनकर ही मेरी गांठ फटती है, इसलिए मैं हॉरर मूवी नहीं देखता। ये एक स्पेनिश थ्रिलर मूवी है और मूवी में दिखाया जाता है कि एना नाम की एक एक्ट्रेस मर जाती है और उसकी डेड बॉडी को एक हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसी हॉस्पिटल में एक ठरकी कंपाउंडर पाऊ काम करता है, जो कि अपने दो दोस्तों के साथ मिलके एना की डेड बॉडी के साथ रेप करता है और उसको जिंदा होते देख तीनों की फट जाती है। और वो तीनों उसका क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, इस बात को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। मूवी की स्टार्टिंग में ही एना की डेड बॉडी को हॉस्पिटल में लाया जाता है और हमें बैकग्राउंड में एना की बैक स्टोरी बताई जाती है। एना एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी और उसकी लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर एक दिन अचानक वो एक प्राइवेट पार्टी में बाथरूम में मरी हुई पाई जाती है। उसके बॉडी में कोई भी चोट के निशान नहीं होते हैं और उसी लिए उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है ताकि उसके मरने की वजह पोस्टमार्टम में पता की जा सके। और अकेला पाकर उस हॉस्पिटल का वही ठरकी वर्कर एना की फोटो निकालकर अपने दोस्त इवान को भेजता है। उसके बाद इवान अपने दोस्त जावी के साथ वहां पर आता है और पाऊ को पार्टी में चलने के लिए बोलता है, लेकिन पाऊ की शिफ्ट खत्म होने में अभी 2 घंटे बाकी थे, इसलिए पाऊ कहीं भी नहीं जा सकता था। उसके बाद तीनों हॉस्पिटल के बाहर जाकर शराब पीते हैं। उसके बाद वो दोनों पाऊ से पूछते हैं कि क्या तुमने एना की बिना कपड़ों वाली फोटो निकाली है, तो पाऊ सर हिलाते हुए हाँ बोलता है। ये सुनने के बाद इवान को भी एना को बिना कपड़ों का देखना था और फिर वो तीनों हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाते हैं जहां पर पोस्टमार्टम किया जाता है। रात का टाइम था इसलिए वहां पर कोई नहीं था और एना का पोस्टमार्टम भी दूसरे दिन होने वाला था। वहां पर बहुत सारी डेड बॉडी होती है और पाऊ उन्हें एना की डेड बॉडी दिखाता है। बेचारी मासूम एना को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो मर गई है और इवान को एना को देखकर उसका रेप करने का मन हुआ और वो इस बारे में पाऊ से पूछता है और पाऊ का कहना था कि उसने पहले भी एक डेड बॉडी के साथ रेप कर चुका है। इवान को रेप करने की हरी झंडी मिल जाती है पर जावी उसे मना करता है, लेकिन वो उसकी बात ना मानते हुए दोनों को रेस्ट रूम में भेज देता है। उन दोनों के बाहर जाते ही इवान एना का रेप करता है और उसके बाद पाऊ अंदर आता है और रेप करने लगता है। तभी अचानक एना की आंखें खुल जाती हैं और पाऊ उसको देखते ही चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर जावी और इवान अंदर आते हैं और ये सब देखकर जावी कहता है कि हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए और वो एना को पीने के लिए पानी और पहनने के लिए हॉस्पिटल के कपड़े देता है। एना ने पाऊ को अपना रेप करते हुए देख लिया था और ये सोचकर पाऊ की फटने लगती है और इवान का भी दिमाग काम करना बंद हो जाता है। पर एना जिंदा तो हो गई थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी और अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही थी। कुल मिलाकर एना पैरालाइज हो गई थी। इवान जावी को बात करने के लिए अपने पास बुलाता है, तभी बाहर से किसी की आने की आवाज आती है। वो तीनों एना की डेड बॉडी पर कपड़े डालकर वहीं पे छुप जाते हैं और हॉस्पिटल का एक और वर्कर एक डेड बॉडी लेने के लिए आता है। एना बहुत कोशिश करके आवाज करती है मगर उस लौंडे ने भी हेडफोन पहन रखा था और वो एना की आवाज को ध्यान ना देते हुए सीधे बाहर चला जाता है। फिर से जावी को अपने पास बुलाता है और तीनों में डिस्कशन होता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एना ने पाऊ को उसे रेप करते हुए देख लिया था। उन तीनों को ये बात सोचकर फट जाती है कि एना अगर जिंदा बाहर गई तो वो सबको इसके क्राइम के बारे में बता देगी, इसलिए इवान डिसाइड करता है कि एना को यहीं पर मार दिया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि एना तो पहले से ही मर चुकी है पर केवल ये तीनों ही जानते हैं कि एना फिर से जिंदा हो गई है। और एना को अगर दोबारा मार देते हैं तो किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा, पर जावी उनकी ये बात मानने से इनकार कर देता है। जावी इवान से कहता है कि एना किसी को रेप के बारे में नहीं बताएगी, तो इवान जावी से कहता है कि तुमने एना के साथ रेप नहीं किया है इसलिए तुम उसे बचाना चाहते हो। गुस्से में जावी बाहर निकलता है और एना को ऊपर हॉस्पिटल में ले जाने लगता है, लेकिन इवान उसे जाने नहीं देता और एना समझ जाती है कि वो लोग उसे मारने वाले हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और जावी उसे बचाना चाहता है। जावी बाहर का गेट खोलता है पर वो गेट बाहर से लॉक होता है। पाऊ समझ जाता है कि पहले वाला वर्कर डोर लॉक करके चला गया। लोड़े लग गए, लोड़े लग गए।
जावी चिल्लाकर बाहर से लोगों को बुलाता है, लेकिन इवान उसको पीटने लगता है और बहुत बुरी तरीके से पीटता है। ये सब देखकर पाऊ इवान को रोकता है और दोनों रियलाइज करते हैं कि जावी हिल नहीं रहा है। जब दोनों पास आकर देखते हैं तो जावी के सर से खून निकल रहा होता है। जावी को ऊपर हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत थी और इवान का कहना था कि उससे पहले उन्हें ऐना और जावी को कहीं छुपाना होगा। फिर पाऊ किसी को डोर ओपन करने के लिए बुला सकता है और डोर ओपन होने के बाद वो दोनों जावी को हॉस्पिटल में ले जाएंगे। इससे दोनों का क्राइम किसी को पता नहीं चलेगा। तो वो दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो जावी और ऐना को बाथरूम में छुपाते हैं और फिर दोनों मिलकर खून साफ करने लगते हैं। जावी ऐना से कहता है कि वह बाहर जाके उसके लिए हेल्प ले आएगा। बाहर खून साफ करने के बाद हॉस्पिटल का एक और वर्कर वहां पर आता है। अंदर ऐना चिल्लाने की कोशिश करती है मगर इवान उसका मुंह पकड़ के रखता है और बाहर खड़ा पाऊ उस वर्कर को पट्टी पढ़ाकर फिर से बाहर भेज देता है। अंदर जावी हिल नहीं रहा था तो इवान उसे चेक करता है और पाता है कि वह मर चुका है। यह देखकर पाऊ और इवान दोनों रोने लगते हैं कि वो दोनों ने तो एक मर्डर कर दिया है। अबे चूतिए, ये बात तो तुझे उसे पीटने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब इवान प्लान बनाता है कि जावी की डेड बॉडी को बाहर ले जाकर कहीं पे फेंक देंगे। ऐना उसे कहती है कि वो बाहर जाकर किसी को रेप और मर्डर के बारे में नहीं बताएगी, कि सिर्फ उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन इवान उसकी बातों को यकीन नहीं करता और बाहर आकर पाऊ को भी वो यही समझाता है कि पाऊ बेटा, ऐना की किसी भी बात को यकीन मत करो, वो हम दोनों को बाहर जाके तलवा देगी। अंदर ऐना बहुत कोशिश करके जावी के पास आती है। अभी वो सिर्फ अपने हाथ हिला पा रही थी और जावी का फोन निकाल कर किसी को कॉल करती है। तभी इवान और पाऊ अंदर आ जाते हैं और वो ऐना के हाथ में मोबाइल देखकर समझ जाते हैं कि ऐना ने किसी को कॉल किया था। ऐना दोनों से बोलती है कि उसने अपने पापा को फोन करके बता दिया है कि वो जिंदा है और उसके पापा उसके लिए मदद लेकर आ रहे हैं। अब दोनों को ऐना को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था तो वह दोनों ऐना को ऊपर हॉस्पिटल में ले जाने लगते हैं। तभी जावी के फोन पर एक कॉल आती है और कॉल अटेंड करने पे पता चलता है कि ऐना ने कॉल तो लगाया था पर दूसरे तरफ से कॉल उठा नहीं था। अब वो दोनों समझ चुके थे कि उन दोनों का लंबा चूतिया कट चुका है, ऐना को बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। ये बात जानकर वो दोनों फिर से ऐना को पोस्टमार्टम वाले रूम में ले जाने लगते हैं। अब उनका प्लान वही पहले वाला है कि जावी की बॉडी को फेंक देना और ऐना को फिर से मार डालना। अब इवान फिर से जावी की बॉडी को फेंकने के लिए एक कंटेनर लेने जाता है और जाने से पहले पाओ को बोल देता है कि ऐना को बांध के रखे। इवान के जाने के बाद ऐना पाओ को इवान के खिलाफ भड़काने लगती है कि इवान ने ही जावी का मुंह दबाकर उसे मारा है और अगर तुम उसका साथ दोगे तो बाद में तुम भी जेल जाओगे। लेकिन पाऊ ऐना की बात नहीं मानता, वो जानता है कि ऐना झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ बाहर इवान को कंटेनर मिल जाता है पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर कुछ नर्सेस आ गई हैं। उन नर्सेस को देखकर इवान को वहाँ छुपना पड़ता है क्योंकि उनके सामने इवान कंटेनर नहीं ले जा सकता। उधर पोस्टमार्टम रूम में पाऊ ऐना के हाथ और मुँह बांध के रखता है और अंदर जाकर बाथरूम में जावी का खून साफ करने लगता है। बाहर ऐना अपने आप को छुड़ाकर रेंगते हुए बाहर चली जाती है। हॉस्पिटल के बाहर नर्सेस के चले जाने के बाद इवान कंटेनर को लेकर अंदर आता है। तभी वह देखता है कि ऐना वहां से मिसिंग है। फिर वो दोनों ऐना को ढूंढने लगते हैं। ऐना वहीं पर दूसरे रूम में छुपी होती है पर वो अभी भी अपने दोनों पैर को यूज नहीं कर पा रही थी। ऐना उनसे बचकर किसी तरीके से लिफ्ट तक चली जाती है और जैसे ही लिफ्ट बंद होती है तभी वहां पर इवान आता है और वो ऐना का पैर पकड़ के उसे घसीटते हुए दोबारा अंदर ले जाता है और इवान कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस चुड़ैल को मारना होगा। और तभी पाऊ इवान से कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या तुमने सच में जावी का मुंह दबाकर मारा। तो इवान रिप्लाई करता है कि नहीं, ये कमीनी बस हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। और साथ ही साथ इवान बोलता है कि हमें ऐना को ऐसी तरीके से मारना होगा जिससे इसके शरीर पर कोई भी निशान ना पड़े, क्योंकि भैया मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ऐना जब हॉस्पिटल में आई थी तो उसके डेड बॉडी पे कोई भी निशान नहीं थे।
फिर इवान एक बेडशीट उठाता है और उस बेडशीट से दोनों मिलकर एना का मुंह दबाकर उसको मार डालते हैं। फिर दोनों मिलकर जावी की बॉडी को कंटेनर में डालते हैं और इवान उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बाहर जाने वाला था, पर जाने से पहले वह बोलता है कि देखो कोई भी हमारे खिलाफ सबूत ना बचे। अंदर पाऊ एना की बॉडी को दोबारा क्लीन करता है और बाहर इवान जावी की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। दूसरी तरफ पाऊ सब कुछ पहले जैसा कर देता है और फिर वो वहां से जाने लगता है। तभी एना के खांसने की आवाज आती है और पाऊ समझ जाता है कि जब वो एना को मार रहे थे तब वो मरी नहीं थी। अबे ये लड़की है कि क्या है, मरने का नाम ही नहीं लेती। ये देखकर पाऊ एना से बोलता है कि तुम इसी तरह नाटक करती रहना। ये सुनकर एना भी अपनी आंखें खोलती है, पर उसी टाइम इवान भी वहां आ जाता है और आते ही पहले तो वो सब कुछ चेक करता है कि क्या उनके खिलाफ कोई सबूत छूटा तो नहीं है। उसके बाद वो एना को भी देखता है कि वो जिंदा है या मर चुकी है, मगर उसे भी कुछ पता नहीं चलता है। फिर वो दोनों लाइट बन करके बाहर जाने लगते हैं और लिफ्ट के पास पहुंचते ही इवान को याद आता है कि वो अपना कार्ड अंदर ही भूल गया है। ये वही कार्ड है जिसमें इवान अपने ड्रग्स रखता है और अंदर ड्रग्स लेने के बाद उसने ये कार्ड वहीं पर भूल गया था। इवान कार्ड लेने के लिए अंदर जाने लगता है, तभी पाऊ उसे अंदर जाने से रोकता है, लेकिन इवान नहीं रुकता और वो अंदर जब जाता है तो देखता है कि एना वहां पे जिंदा खड़ी है। ये देखकर इवान पाऊ पर भड़क जाता है और उसे लगता है कि पाऊ इवान को फंसाना चाहता है, पर इतने चुतियापे के बाद इवान भी थक जाता है और वो एना को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी पीछे से एना आती है और वो इवान का गला काटकर उसको वहीं मार देती है और इवान का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। और करो लौंडिया से बकचोदी। इवान के मर जाने के बाद पाओ की फट आती है और वह एना से पूछता है कि यार वो भी तो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। तभी एना उसके भी पेट में कैंची घुसेड़कर उसको भी वहीं पर टपका देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की जो एंडिंग है वो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मूवी में एना कितनी बार मरी है। तो भैया आपको बता दें कि मूवी में एना पहली बार तब मरी थी जब उसे हॉस्पिटल में लाया गया था, पर रेप के टाइम वो जिंदा हो गई थी। अब मरी हुई एना कैसे अचानक जिंदा हो गई, मूवी में इसका कोई भी डिटेल नहीं दी है, ना ही इंटरनेट पे इसकी कोई भी थ्योरी मौजूद है। अब साला मरी हुई एना कैसे जिंदा हो गई है, अबे स्टोरी में मजा तो उसके जिंदा होने के बाद ही आया ना, एंजॉय करो। और दूसरी बार जब इवान और पाऊ एना का मुंह दबाकर उसको मार रहे थे तब उसने केवल मरने की नाटक की थी, मरी नहीं थी वो। पर कसम से यही सब देखकर ना लड़कियों पर विश्वास करने का मन ही नहीं होता। अब दूसरा सवाल ये है कि जब पाऊ को पता चला कि एना मरी नहीं है तो उसने इवान को क्यों नहीं बताया। तो भाई सुन लो, पाऊ पहले से ही एना को नहीं मारना चाहता था, पर इवान पाऊ को डंडा किए रहे कि अगर ये नहीं मरी ना तो हम दोनों पिला जाएंगे। तीसरा सवाल ये कि जब पाऊ और इवान दोनों ने एना को जाने देने के लिए रेडी हो गए तब एना ने उन दोनों को क्यों मार डाला। तो यार अगर एना की नजर से देखें तो पहले तो इवान और पाऊ ने एना का रेप किया, उसके बाद दोनों ने मिलकर एना को जान से मारने की कोशिश भी की। तो भैया इतना वजह काफी होता है किसी को जान से मारने के लिए, तो भाई एना को जो सही लगा उसने किया। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो दोनों ने किए रे कांड, तो एना ने मारी उनकी, आप समझ गए होंगे। तो यारो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, आपको ये मूवी अच्छी लगी, तो भैया प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस गरीब के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भैया पापी पेट का सवाल है और आप जानते हैं कि दुनिया बेरोजगार है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी के साथ।